हेलो वीवर्स, मैं डॉक्टर रचना होम्योपैथिक फिजिशियन। आज मैं आप लोगों को COPD की होम्योपैथिक ट्रीटमेंट बताएंगे जो विदाउट एनी साइड इफेक्ट क्योर करती है। COPD एक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़। ये लंग्स डिसीज़ है, अ ग्रुप ऑफ लंग्स डिसीज़ दैट ब्लॉक एयर फ्लो एंड द मेक इज डिफिकल्टीज टू ब्रीथ। इम्फाइसीमा एंड क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस आर द मोस्ट कॉमन कंडीशन दैट मेक अप COPD। ये टू कंडीशंस मोर होती हैं, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज है इम्फाइसीमा एंड क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। ये अलग मैं नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगी आपको इम्फाइसीमा और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस की, पर इस वीडियो में मैं COPD की कंप्लेन बता रही हूँ और इनका ट्रीटमेंट डिस्क्लोज कर रहे हैं। तो अगर आप COPD की कंप्लेन से सफ़र कर रहे हैं तो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट यूज़ कर सकते हैं। ये किन कारण से होता है मैं आपको बता दें। कॉजेज ऑफ COPD: ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, सिगरेट, स्मोकिंग पाइप्स, सिगार, अदर टाइप ऑफ टोबैको स्मोक, अदर लंग डिसीज एंड म्यूकस एंड इन्फ्लामेशंस लाइक दैट। साइनिंग सिम्टम ऑफ COPD: शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, वीजिंग, क्रॉनिक कफ, फ्लम, फ्रिक्वेंटली रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, फैटिग्यू, चेस्ट पेन, लॉस ऑफ लाइनिंग एंड म्यूकस एंड वेट गेन एंड वेट लॉस समटाइम एंड एक्सेसिव म्यूकस फॉर्मेशन एंड थ्रोट पेन, वोपिंग कफ एंड ड्यूरिंग वोपिंग कफ एंड वॉमिटिंग एंड स्लाइट नोशिया। ये साइनिंग सिम्टम होते हैं, ये लक्षण होते हैं COPD की कंप्लेन में। जो पेशेंट इस कंडीशन से सफ़र कर रहे हैं उनको कफ मतलब खांसी, सर्दी, जुकाम जैसे बहुत सारी कंप्लेंट्स आती होगी। खांसी के दौरान चेस्ट पेन होते हैं, सीने में दर्द होने लगता है, बहुत सारा फ्लम निकलता है, बलगम निकलता है मुँह से, कभी वाइट हो भी हो सकता है, येलो कलर, पीला भी निकलता है, किसी भी कलर के ये म्यूकस हो सकते हैं, और मतलब सांस लेने में दिक्कत होती है किसी भी तरीके का। अगर सांस ले रहे हैं सोने के टाइम में या मॉर्निंग में उठते हैं तो भी ये कंप्लेंट शुरू हो जाती है। तो क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज से अगर आप सफ़र कर रहे हैं तो ये ट्रीटमेंट यूज़ कर सकते हैं। मेडिसिन बताने से पहले आपको एक चीज़ क्लियर कर दें कि ये कॉमन मेडिसिन है रेस्पिरेटरी की जो मैं डिस्क्लोज कर रही हूँ, आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं। बट अगर आपको कोई अदर इन्फेक्शन है या अदर डिसीज से सफ़र कर रहे हैं लाइक थायराइड है या BP है या डायबिटिक है तो आपको होम्योपैथी कंसल्ट करना चाहिए जिससे कि आप कंप्लीट क्योर हो सके। ओनली अगर COPD से सफ़र कर रहे हैं तो भी आपको होम्योपैथी कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि COPD की बहुत सारी मेडिसिन होम्योपैथी में जो कॉन्स्टिट्यूशन इंडिविलाइजेशन के डिपेंड पे मेडिसिन सेलेक्ट की जाती हैं। ये मेडिसिन कॉमन है, जो सिम्टोलॉजी है जो मेडिसिन डिस्क्लोज कर रहे हैं आप इन्हें भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको कोई कंप्लेंट्स नहीं है। मे बी अगर ये मेडिसिन यूज़ करने के बाद आपको ज़्यादा रिलीफ नहीं मिलता है तो आपको होम्योपैथी कंसल्ट करना चाहिए जिससे कि आप कंप्लीट क्योर हो सके, क्योंकि रेस्पिरेटरी की किसी भी डिसीज़ को कंप्लीट क्योर करती है होम्योपैथी। सभी चीज़ों का ट्रीटमेंट है, बाय बर्थ डिसीज़ भी क्योर होती हैं होम्योपैथी में। होम्योपैथिक मेडिसिन नेम है कैलिबिच क्रोमिकम, कैलियम बाइक्रोमिकम 2 टाइम्स अ डे फॉर 12 वीक के लिए यूज़ कर सकते हैं। कैली बाइक्रोमिकम मेडिसिन सिर्फ सिंगल रेमेडी मैंने इस वीडियो में डिस्क्लोज किया है, ये सिंगल रेमेडी आप यूज़ कर सकते हैं जो एक्सेसिव म्यूकस फॉर्म करता है, किसी भी कलर का म्यूकस हो, ज़्यादा बलगम आ रहा है, फ्लम आ रहा है, तो ये मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। 4 पिल्स मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक एंड 4 पिल्स नाइट आफ्टर फूड सोने के टाइम में। डाइट इंस्ट्रक्शंस में खट्टी चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी है, जैसे पिकल्स है, लेमन है, सॉल्ट अधिक यूज़ नहीं करना है, एक्सेसिव स्वीट भी यूज़ नहीं करना है, खट्टी चीज़ों का परहेज करना है। COPD की कंप्लेन में मस्ट है आपको डाइट इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर सकते हैं। COPD से रिलेटेड अगर कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।